खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां आगरा जनपद के जगदीशपुर में पुलिस हिरासत में हुए अरुण बाल्मीकि की मौत के बाद बाल्मीकि समाज ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कासगंज थाने की पुलिस ने ही अरुण की हत्या की है, इसलिए SHO सहित 5 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष का कहना है कि पुलिस ने अरुण पर 3rd degree का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उनका कहना है कि जो 25 लाख की चोरी हुई थी, उस वारदात को पुलिस ने ही अंजाम दिया था। बाल्मीकि समाज की मांग है कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। ज्ञापन हमारे यहाँ परसों 21 तारीख को आगरा में 17 तारीख को एक घटना हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई अरुण बाल्मीकि के ऊपर बर्बरता की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शंका ये जाहिर की जा रही है कि इतना 3rd degree से टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु नहीं है, हत्या की है, क्योंकि बहुत कुछ 25 लाख की चोरी हुई थी, उसको छुपाने का षड्यंत्र किया जा रहा है कि चोरी न खुल पावे, क्योंकि पुलिस कर्मियों के द्वारा ही वो चोरी संभवता की गई। क्या मांग की गई है? हमारी तरफ से मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उस परिवार का पालन पोषण हो सके।